In 1980s, plant physiologists found that essential oils of some fragrant plants like jasmine, rosemary, and of many other plants possess the activity of retarding the growth of root and coliptile and promote leaves insane. 1980s में प्लांट फिजोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि कुछ असेंशियल ऑयल्स हैं जो कि फ्रेगरेंट प्लांट हैं जैसे कि जस्माइन है रोजमेरी प्लांट है और बहुत सारे जो दूसरे प्लांट्स हैं वो रखते हैं कि उनमें एक एक्टिविटी होती है कि उनकी जो ग्रोथ होती है रूट की और कोलिव की वो रुक जाती है रिटार्ड हो जाती है और जो लिपसन सीन है यानी कि पत्तों के गिरने का जो प्रोसेस है वो प्रमोट हो जाता है दिस लीड टू दी सर्च ऑफ एक्टिव कंपाउंड प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एक्टिविटीज तो तो इस चीज़ ने साइंटिस्ट को ये काम करने के लिए लगा दिया कि ये कौन से एक्टिव कंपाउंड्स हैं कौन से एसेंशियल ऑयल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इन एक्टिविटीज़ के लिए दो एक्टिव कम्पाउंडस वर नेम्ड एज द जस्मोनेट तो इस तरह के जो एक्टिव कम्पाउंडस थे इन्हें नाम दे दिया जसमोनीट्स का द जस्मोनेट आर नॉन टू एक्म्योलेट इन वाउंडेड प्लाट्स जो जिसमोनेट्स हैं इन्हें जाना जाता है कि ये जो वाउंडेड प्लांट्स हैं जिनमें मतलब कोई कट वगैरह लग जाए तो वही एक्योमोलेट हो जाते हैं Finally, the isolation of methyl jasmineate (M E J A) in form jasmine jasmine oil obtained from jasmine grandiflorum. तो ये जो jasmine oil है, ये से हासिल किया गया सबसे पहले। तो उन्होंने methyl jasmineate (M E J को आइसोलेट किया था, किया कहाँ से जिसमाइन ऑयल से और ये जस्माइन ऑयल कहाँ से निकला जिसमाइन ग्रैंडी फॉरम से लीड टू दी डिस्कवरी ऑफ एसिड एंड तो ये जो जिसमाइन ग्रैंडी फॉरम है ये प्लांट है इसमें से उन्होंने जस्माइन ऑयल लिया जस्माइन ऑयल के अंदर मिथायल जस्मोनीट प्रजेंट था और दूसरे भी उन्होंने जो इसके डेरीवेटिवस हैं उन्हें निकाला क्स्ट इजिड वेटेड फॉर फर्स्ट टाइम इन नाइनटीन फिफ्टी सेवन फ्रॉम दल्चर ऑफ आ फंगस लेसियोडाइपलोडिया थियोब्रोमे ये फंगस का नेम है ये जिसमोनिकसिड जब उन्होंने आइसोलेट किया फर्स्ट टाइम नाइनटीन फिफ्टी सेवन में एक तो ये कहाँ से लिया था ये उन्होंने एक फंगस के कल्चर से हासिल किया था विच इज़ एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ दी जे एस तो ये एक इम्पोर्टेंट मेंबर था जसमोनिकसड का अपार्ट फ्रॉम जे एंड एम ई जे एम ई जे इज़ मिथायल जसमोनिकसड तो जो जिसमोनिक एसिड था और मिथाइल जिसमानिक एसिड था और जो अदर एसिड थे पर्टिकुलरली सिस जसमोनीट जसमोनाइल सी ए सी सी एंड जसमोनाइल आइसो ये जो कम हैं जसमोनीटिड के ये उन्होंने इस कल्चर से हासिल किए थे विद मल्टीपल बायोलॉजिकल फंक्शन हैव बिन रिपोर्टेड तो ये जितने भी एसिड के डरीवेटिव्स हैं इन्हें रिपोर्ट किया गया कि ये और भी बहुत से बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिन्हें ये परफॉर्म करते हैं नेक्स्ट है प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है डिस्कवरी के बाद कि जिसमोनिक एसिड क्या सारा इंट्रोड्यूस करवाया गया कि क्या चीज़ें है कैसे हैं ये जिसमोनेर्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ट्वेल्व कार्बन अन सेचुरेटिड फेटी एसिड जो जस्मोनेट हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ट्वेल्व कार्बन के जो कि अनसेचुरेटेड हैं फेटिक एसिड में विद्लोपेंटी पेंटानॉन रिंग एंड ग्रुप दैट अलोंग विद इट्स एस मिथाय एस्टर मिथायल जसमोनेट इन वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंगी मोसेस फंस एंड हायर प्लांट्स तो ये जो जस्मोनीट्स हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये क्या है ट्वेल्व कार्बन अन फैटी एसिड हैं विदा साइक्लोपेंटानोन रिंग स्ट्रक्चर है इनमें साइक्लोपेंटन का और कीटोग्रुप है इनके साथ ल, जुड़ा हुआ और इनके साथ और क्या लगा हुआ है मिथाइल एस्टर मिथाइल जस्मोनीट और बहुत सारी है ऑर्गेनिज्म की जो ये सारा स्ट्रक्चर रखते हैं जिनमें फनजाइंग है मोसेस हैं फंस हैं और जो हाई प्लांट्स हैं तो इस टाइप का जो एसिड है ये पाया जाता है उनमें

इनकी जो ज्यादा कंसंट्रेशन होती है ये फ्लावर में होगी और रिप्रोडक्टिव टिश्यूज में होगी रूट्स में और मैच और लीव्स में इनकी कंसनट्रेशन कम होगी द कंसनट्रेशन ऑफ जसमोनेट रेंज फ्रॉम जीरो पॉइंट जीरो वन टू थ्री पॉइंट यू जी पर ग्राम एफ डब्ल्यू फ्रेश वेट विद द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिमिशिया ट्रीडेंटेटा इन विच जसमोनेट लेवल अप टू नाइनटी फाइव माइक्रो जी पर ग्राम फ्रेश वेट हैज़ बीन रिकॉर्डेड तो जो कंसनट्रेशन है जस्मोनेट की वो रेंज करती है जीरो पॉइंट जीरो वन से थ्री पॉइंट जीरो तक जिनका फ्रेश वेट है ठीक है विद इन विद जस्मोनेट और जो आर्टिमिशिया ट्रेडेंटाइटा है इसमें जो जस्मोनेट का लेवल है वो नाइन्टी फाइव माइक्रोग्राम पर ग्राम फ्रेश वेट है जिसे रिकॉर्ड किया गया है जसमोनेट हैज़ बीन फाउंड इन एबेंडेंस जर्नली इन फ्लावर्स एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ एलोमिनेटिड प्लान्ट तो बहुत सारे जो जसमोनीटिड है वो ज़्यादातर पाया जाता है फ्लावर्स में और क्लोरोप्लास्ट में और न, कौन से प्लांट्स में यानी कि जो इल्यूमिनेटेड प्लांट्स है तो हैं उनमें डिफरेंट फॉर्म्स एनालॉग्स ऑफ जसमोनेट्स तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं एसिड्स की तो एसिड एंड मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव्स आर साइक्लोपेंटानोन जो एसिड है इसकी ज़्यादातर जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो साइक्लोपेंटानोन हैं द बेस्ट नॉन जस्मोनेट आरग लो तो जो ज़्यादातर जाने जाने वाले एसिड हैं वो ये हैं जिसमोनिकसिड जी ए ये जिसम जस्मोनिक एसिड के डायग्राम है मिथाइल जस्मोनेट ये डेरिवेटिव है जस्मोनिक एसिड का जस्मोनाइल आइसोल्यू आइसोल्यूसाइन जस्मोनाइल आइसोल्यूसाइन है और ये वो जस्मोनिक एसिड हैं जो बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं नेक्स्ट इज़ द बायोसेंथिसिस ऑफ़ एसिड जिसमोनिकसिड एसिड की बायोसेंथिसिस कैसे होती है ये कैसे तैयार किया जाता है दी एसिड इज सेंथिसाइज फ्रॉम लाइनोलिनिक एसिड बाई ऑक्टाडिकोनाइड पाथवे तो ये जो एसिड है इसे सेंथिसाइज किया जाता है लाइनोलाइनिक एसिड है और ये कहाँ से हासिल और इसका प्रोसेस कौन सा है पाथवे कौन सा है ऑक्टा डिकोनाइड पाथवे के जरिए से लाइनोलाइनिक एसिड इज अ टाइप ऑफ फैटी एसिड ये लाइनोलाइनिक एसिड जो है ये फैटी एसिड की एक टाइप है अल्फा लाइनोलाइनिक एसिड दी थिस तो ये जो प्रिकर्जर्स होते हैं मतलब जो रियक्टेंट होते हैं ना तो वो मिल्के प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो लाइनोलिक है ये तौर पर न, यूज होता है जिसमोनिकसड की सेंथिस में डिफरेंट स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन दी बायोथ तो मुख्य स्टेप्स हैं इन्वॉल्व हैं इसमें जिसमोनिकसड की बायोसेंथिस में स्टेप नंबर वन एल्फा लाइनोलिक लाइन और लाइनिक एसिड है ये प्रिकर्जर्स है इसमें क्या होगी ऑक्सीडेशन बाय लिपो ऑक्सीजनेस तो जो लिपो ऑक्सीजनेस ये एंजाइम है ये इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा स्टेप नंबर टू में ये क्या बन जाएगा प्री ऑक्साइड बन जाएगा पर बन गया नेक्स्ट इसकी साइकली साइक्लाइजेशन नेक्स्ट जब प्र की साइक्लाइजेशन हो जाएगी एलाइन की वजह से एलाइन ऑक्साइड सेंथीज ये एंजाइम है ये ऑक्साइड की, की साइक्लाइजेशन कर देगा तो ये बना देगा एल ऑक्साइड एलाइन ऑक्साइड रीअरेंजमेंट बाय एलाइन ऑक्साइड साइक्लेज जब इसकी नेक्स्ट साइक्लाइजेशन रीअरेंजमेंट हो जाएगी एलाइन ऑक्सीड ऑक्साइड साइक्लेज एंजाइम के जरिए थे इनसे तो ये बना देगा ओपीडी जिसकी रिडक्शन हो जाएगी रिडक्टिज एंजाइम से तो वो बना देगा सीरीज ऑफ सिक्स बीटा बीट बीटा ऑक्सीडेशंस फॉर्म जसमानिक एसिड तो सीरीज चलेगी बीटा सिक्स बीटा ऑक्सीडेशंस की तो ये बना देंगी जसमोनिक एसिड तो ये बेसिक फाइव स्टेप्स हैं जस्मोनिक एसिड की सेंथिस के नेक्स्ट स्टेप नंबर वन में ऑक्सीडेशन ऑक्सीजनेशन होगी इन फर्स्ट स्टेप ऑक्सीजनेशन टेक प्लेस फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजनेशन होगी एंड एल्फा लाइनिक एसिड इज ऑक्सीजनेटेड बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम नोन एज द लाइनो ऑक्सीजनेस तो लाइनो ऑक्सीजनेस जो है ये एंजाइम ऑक्सीजनेट कर देगा एल्फाइन लाइनोलाइनिकट दल्फाइनिको पर जो लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम है ये कन्वर्ट कर देगा लेनोलाइनिक एसिड को पर ऑक्साइड के अंदर स्टेप नंबर टू है साइक्लाइजेशन इन दाइक्शन टेक प्लेस एंड दरऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इंटू एन एलेन ऑक्साइड विद दि हेल्प ऑफ द इंजाइम द एलिन ऑक्साइड सेंथीटेज तो ये साइक्लाइजेशन का प्रोसेस होगा सेकंड स्टेप होगा जिसमें पर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा एलाइन ऑक्साइड में एलाइन ऑक्साइड सेंथटेज एनजाइम की मदद से नेक्स्ट स्टेप नंबर थ्री रीअरेंजमेंट इन दिस स्टेप दिअेंजमेंट ऑफ एलाइन ऑक्साइड टेक प्लेस विद दि हेल्प ऑफ एन एलिन ऑक्साइड साइक्लेज एंजाइम तो इस स्टेप में क्या होगा एलाइन ऑक्साइड की रीअरेंजमेंट होगी एलाइन ऑक्साइड साइक्लेज एंजाइम करेगा एलाइन ऑक्साइड कन्वर्टेड हो जाएगा ट्वेल्व ऑक्सो फाइटो डायोनिक, डायोनिक एसिड में ओपीडीए के अंदर आल दी स्टेप टिल हेअर आर टेकिंग प्लेस इन प्लास्टिक तो ये जितने भी प्रोसेस हैं ये स्टेप्स हैं ये प्लास्टिक में हो रहे हैं क्लोरो प्लास्ट के अंदर हो रहे हैं फ्राम फोर्थ स्टेप ओ पी डी ए शिफ्ट इन टू दर ऑक्सीसोम्स तो ये जो फोर्थ स्टेप है ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीसोम्स के अंदर स्टेप नंबर फोर इज

स्टेप नंबर फाइव है उसमें रिडक्शन जो है ये बीटा ऑक्सीडेशन के जरिए से होगी आफ्टर दिस रिडक्शन एंड बीटा ऑक्सीडेशन ओ पी डी ए गैट्स कन्वर्टिड इन टू जसमोनिकसिड इन दरोक्सीम्स तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है ओ पी ये कन्वर्टिड हो जाएगी जसमोनिकसिड में इन दी परिसम्स के अंदर से ये देखें ये है अल्फ़ा एसिड ठीक है ये नेक्स्ट जा रहा है इसमें कन्वर्ट हो गया नेक्स्ट ओ बन गया नेक्स्ट ये इसमें ऑक्सीडेशन हो गई ओहो नेक्स्ट ओ से नेक्स्ट ओ और नेक्स्ट बिट ऑक्सीडेशन हो और नेक्स्ट ये बन ऑक्सीडेशन के बाद जिसमानी केसर में कन्वर्ट हो जाएगा फिजोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ जिसमोनेर्स तो जिसमोनेर्ट्स के फिजोलॉजिकल इफेक्ट कौन से हैं ये प्लांट पे फिजिकली कैसे इफेक्ट करता है रेगुलेट प्लांट रिस्पॉन्स इन स्ट्रेस तो ये प्लांट की जो रिस्पॉन्स हैं जब स्ट्रेस में होता है प्लांट जब स्ट्रेस हो, होती है तो ये प्लांट को रिस्पॉन्स देता है दी ए मेजर फंक्शन ऑफ जसमानिक एसिड एंड इट्स वेरियस मेटाबोलाइज इज़ रेगुलेटिंग प्लांट रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेसेस एज वेल एज प्लांट ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट तो जो मेजर फंक्शन है जसमानिक एसिड का वो है इसकी मेटाबोलाइज करता है रेगुलेटिंग करता है प्लांट रिस्पॉन्स को कि जितने भी एबायोटिक और बायोटिक स्ट्रेसेस हैं ना जैसे टम्परेचर स्ट्रेस है हीट स्ट्रेस है इस तो वो ग्रोथ के ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर जो अमल हो रहा होता है उसका उसे ये मेडोलाइट करता है रेगुलेट करता है रिस्पॉन्स देता है उसके खिलाफ तो रेगुलेट ग्रोथ एंड डिवेलपमेंटल प्रोसेस तो ये रेगुलेट करता है प्लांट की ग्रोथ को डिवेलपमेंट प्रोसेस को जिसमें ग्रोथ इनहिबिशन आ जाती है सेंसेन आ जाती है टेंड्रिल Boiling आ जाती है फ्लावरिंग फ्लावर डिवलपमेंट आ जाती है एंड लीफ एबसीजन आ जाता है ट्यूबर पार, फॉर्मेशन तो, के जिसमोनीसिडि रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इन पोटैटोज एंड अनियंस तो नेक्स्ट डिफेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स अंगेंस्ट के जिसमो इंसेक्ट के खिलाफ डिफेंस हैं प्लांट्स डिफेंसेंट प्लान बाई अटैकेड बाई इंसेक्ट्स दे रिस्पॉन्ड बाई रिलीजिंग जिसमोनीसड विच एक्टिवेट द एक्सपेंशन ऑफ प्रोटीज इन्हेबिटर्स अमॉन्ग मैनी अदर एंटी हर्बिवर डिफेंस कम्पाउंडस तो डिफेंस इंसेक्ट्स के ख़िलाफ़ ऐसे करेगा कि जब इंसेक्ट अटैक करेंगे तो ये जसमोनिकसिड रिलीज कर देंगे प्लांट और ये एक्टिवेट करेंगे कि एक्सप्रेशन हो प्रोटीज इहैबिटर्स का जब प्रोटीज इन्हेबिटर्स निकलेंगे तो जो टेस्ट ख़राब हो जाएगा हर्बीवॉर्स का तो वो ये प्रोटीज इन्हेबेटर जो है ये एंटी हर्बार डिफेंस कंपाउंड है और ये प्लांट्स में होता है जिसे हर्बीवॉर्स से ये ख़ुद को डिफेंस कर सकते हैं प्रोवाइड्स प्रोटीएस इन्हेबिटर तो प्रोटिएज इनहेबिटर कैसे प्रोवाइड होते हैं दिज इनहेबिटर प्रिवेंट प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटी ऑफ द इंसेक्ट डाइजेस्टिव प्रोटीएस और स्लैवरी प्रोटीन्स देअर बाई स्टॉपिंग दैम फ्रॉम एक्वायरिंग द नीडिड नाइट्रोजन इन दी प्रोटीन फॉर यर ऑन ग्रोथ तो जो इन्हीबिटर होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं प्रोटिवलाइटिक एक्टिविटी को इंसेक्ट्स की प्रोटियोलाइटिक proteo, एक्टिविटी जो होती है जैसे कि डाइजेस्टिव प्रोटीन्स हैं स्लिवरी प्रोटीन्स हैं तो देयर बाय स्टॉपिंग देम फ्रॉम एक्वायरिंग दी नेडी नाइट्रोजन इन द प्रोटीन फॉर देयर ओन ग्रोथ तो ये नाइट्रोजन को जरूर, के लिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इनका जो अपना ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट होता है तो इसके लिए ये प्रोटेज इन्ेबिटर प्रोवाइड्स करता है डिफेंस अगेंस्ट वाउंड वाउंड के अगेंस्ट डिफेंस प्लांट्स आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू डिफरेंट स्ट्रेसेस दैट रिजल्ट इन वाउंडिंग प्लांट्स जो हैं आर कॉन्सटेंटली एक्सपोज टू डिफरेंट स्ट्रेसेस प्लांट्स जो हैं ये कॉन्सटेंटली एक्सपोज होते हैं टू डिफरेंट स्ट्रेसेस मुख्य स्ट्रेसेस को दैट रिजल्ट इन वार्निंग जिसके नतीजे में वार्निंग वगैरह हो जाती है Plants have adopted to defend themselves against wounding events. Plants have adopted to defend themselves. defence do defense do wounding events like herbivore attack or environmental stresses? The DGL gene is maintenance of levels of. What acid. DGL gene is responsible for maintaining levels of. जिसमानी कैसे ड्यूरिंग यूजल कंडीशन इन जियामेज एज वेल एज दी प्रिमरी रिलीज ऑफ जिसमानी कैसे तो डिजियल जीन मेंस लेवल के तौर पर भी जिसमानी कैसे काम करता है और ये कंडीशन ज्यादातर देखी गई है जिया मेज में एक्सप्रेशन ऑफ पॉलीफेन ऑक्सीडेज एक्सपेंशन ऑफ पोलिफिन ऑक्सीडेज jasmonic uh, acid also activates the expansion of polyphenol oxidase wow, yeah, which promotes the production of uh, quinoline. these can interfere with the insect enzyme production and decrease nutrition content, uh, content of the uh, ingested plant. तो ये पोलिफिन ऑक्सीडीज एंजाइम के एक्सप्रेशन में भी जसमोनी केसर जो है ये काम करता है एक्सप्रेशन देता है सी ट्रीटमेंट फॉर एंटीपेस्ट डिफेंस तो इन डी जसमोनी हैज़ बीन कंसीडर्ड एज अ सी ट्रीटमेंट इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट दी न्यूट्रल एंटीपेस्ट डिफेंस ऑफ द प्लांट्स दैट जर्मिनेट द ट्रीटेड सीड इन दिस एप्लीकेशन जसम्स आर स्प्रेड इनटू प्लांट्स दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टिड ड्रॉइंग तो ये पेस्ट डिफेंस में एंटीपेस्ट डिफेंस यानी कि पेस्ट को ख़त्म करता है जसमोनिकसड तो इसलिए इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है प्लांट्स को ताकि एंटीपेस्ट डिफेंस का या जो प्रोसेस है वो हो सके एंटोगोनाइज सेलिकेसिड ये एंटोगनाइज यानी कि एंटोगनाइज का मतलब है कि ये उल्ट काम करेगा सेसेलिकसिड होगा तो जस्मोनिकसिड नहीं होगा जसमोनिकसड होता होगा तो सेसेलिकसड नहीं काम करेगा Is an process However, due to its antagonistic relationship with salic acid, an important signal in pathogen defense in some plants which is may result in the increased susceptibility. टू वायरल एजेंट्स एंड अदर पैथोजेंस तो ये एंटोगनाइज करते हैं सेसेलिकसड को जब जसमोनिकसड काम करेगा तो नंबर दूसरे नंबर पर सेसेलिकसिड काम करेगा जब सेसेलिकसिड काम कर लेगा फिर जसमोनिकसिड काम करेगा तो इस तरह ये antagonize करते हैं अपने प्रोसेस को और इससे क्या होता है कि इंक्रीज susceptibility तो इससे जो वायरल एजेंट्स हैं और जो दूसरे pathogens हैं उनकी जो susceptibility है वो बढ़ जाती है डिफेंस अगेंस्ट हारबीवॉर्स इन जियामेस ये जियामेज कॉर्न को कहते हैं एसिड एन जी एसमोनिकसड आर मीडिएटेड बाय एन पी आर वन नॉन एक्सप्रेसर ऑफ पैथोजें रिलेटेड जीन वन विच इज़ एसेंशियल इन प्रिवेंटिंग हारबीवर्स फ्रॉम एक्सपोलाइटिंग दिस एंटागोनिस्टिक सिस्टम तो एसिड और जसमोनिकसड जो ये मीडिएट करते हैं चलाते हैं एन पी आर को ये एक स्पेशल जीन जीन्स होते हैं उनसे विच इज़ असेंशियल जो कि बहुत ज़रूरी है प्रिवेंट करते हैं हर भी वॉर से ताकि वो इनके सिस्टम्स को तबाह ना कर सकें इंक्रीज इन एसिड पाथवे एक्टिविटीज तो ये आर्मी स्पोडियोप्टेरा स्पीशीज जो हैं थ्रू अनॉन मेकनिज़म आर एबल टू इंक्रीज़ द एक्टिविटी ऑफ़ दिसलिक एसिड पाथवे इनमे

की जो सेंथिस है वो कम हो जाती है लेकिन जो जीन है एनपीआर पी आर मीडिएशन तो ये क्या करते हैं ये उसकी अमाउंट को बैलेंस्ड करके रखते हैं और ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनसे ये डाटा लिया गया है और आप इन रेफरेंसेस से इसे सर्च कर सकते हैं थैंक्स टू वाचिंग